हेलो मित्रों और विद्यार्थी, हम आज आपको हड़प्पा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। और कुछ स्थल और हैं जो प्राक हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब है प्रारंभिक जो है अवस्था, और इसमें जो है काली धोलावीरा है जो गुजरात से संबंधित है, बनावली है, और राखी गढ़ी जो हरियाणा से संबंधित है। ये तीन स्थल है जिन्हें मैं लिखवाता हूँ। ये स्थल जो है प्राक हड़प्पा से, प्राक हड़प्पा सभ्यता या ये कहिए प्राक अवस्था से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के मैंने तीन चरण आपको बताए हैं, प्राक अवस्था और परिपक्व अवस्था, और उसके बाद हड़प्पावाद ताम्रपाषाणकालीन अवस्था। तो ये जो स्थल हैं ये प्राक अवस्था से संबंधित हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। प्राक अवस्था को प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें है धोलावीरा, धोलावीरा ये गुजरात का है, गुजरात एक राज्य है भारत में। दूसरा स्थल बनावली, ये हरियाणा में है। तीसरा स्थल है राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में पड़ता है, राखी गढ़ी। ये स्थल जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी का प्रारंभिक जो अवस्था है उससे संबंधित है। और एक स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा पड़ता है गुजरात में। ये जो है हड़प्पा सभ्यता की मैंने आपको तीन चरण बताए, उन तीनों चरणों से जो संबंधित है, यानी का प्राक अवस्था, परिपक्व अवस्था और हड़प्पावाद ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति। तो ये तीनों चरणों से संबंधित है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा यहाँ से जो है हमें तीनों चरण मिलते हैं, तीनों चरण देखने को मिलते हैं। तीनों चरण कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए इसके बाद में आज हड़प्पा जो एक स्थल है, हड़प्पा स्थल के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी पे है, रावी नदी के किनारे है, और जो जिला है मॉन्टगोमरी जिला है, मॉन्टगोमरी, और पाकिस्तान में जो है स्थल पड़ता है हड़प्पा। और इसकी जो है उत्खननकर्ता कौन है? इसका है दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। और 1921 सन जो है 1921 है, 1921 में जो है इसका उत्खनन होता है। और दो विद्वान, दो अन्य नाम और हैं जो मैं आपको बताता हूँ, माधव स्वरूप और माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, ये दो और अन्य नाम हैं जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से संबंधित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो स्थल है, इस स्थल से हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। नंबर एक है रक्षा प्राचीर। रक्षा प्राचीर से मतलब यह है, पहले जो है जो नगर बनते थे, शहर बनते थे, उन शहरों के चारों तरफ दीवार कर दी जाती थी। दीवार करने से मतलब ये था कि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उससे सुरक्षा हो जाती थी। तो इसे वो जो दीवार जो है शहर के चारों तरफ, नगर के चारों तरफ होती थी, तो उसी को रक्षा प्राचीर कहा जाता था। तो हड़प्पा स्थल से जो है रक्षा प्राचीर के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, और समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, कब्रिस्तान R37 और H के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, और यहाँ से जो है कांस्य का जो है दर्पण के साक्ष्य मिलते हैं, और हमें यहाँ से दो टीले मिलते हैं। दो टीले, एक पूरब में है और एक पश्चिम में है। पूरब का जो टीला है उसे नगर टीला कहा गया है, और जो पश्चिम का टीला है उसे दुर्ग टीला कहा गया है, और उसे माउंट एबी भी कहा गया है, और उसमें रक्षा प्राचीर भी थी। दुर्ग टीला जो है उसमें रक्षा प्राचीर भी थी, ये आपको ध्यान रखना है। मांग में सिंदूर, ये भी साक्ष्य मिला है। और एक स्त्री है जिसके गर्भ से जो है एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, ये यानी का एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकलता है, और ये जो है मार्थ देवी की जो है मूर्ति है। ये जो साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से, जो हड़प्पा स्थल से जो है देखने को मिलते हैं, यानी का हड़प्पा स्थल जो है उसमें ये साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं जो मैं आपको लिखवाता हूँ। एक साक्ष्य यह है कि जो चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी और कौवा, यानी का चालाक लोमड़ी और कौवे की जो कहानी है, इसकी जो है मोहर मिली है, ये भी एक साक्ष्य है। ये इस तरीके से जो है साक्ष्य हड़प्पा में मिलते हैं।
हड़प्पा, इसकी जो खोज किसने की? राय बहादुर, दयाराम साहनी। और सन 1921। अन्य नाम माधव स्वरूप वत्स, और दूसरा है व्हीलर, या आप इसे खोज की जगह आप उत्खननकर्ता कह सकते हैं। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, या आप कह सकते हैं। अब मैं साक्ष्यों के बारे में बताता हूँ, हड़प्पा से जो साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से साक्ष्य, या ये कहिए हड़प्पा के साक्ष्य। नंबर एक है रक्षा प्राचीर, इसके बारे में मैंने आपको बताया रक्षा प्राचीर है। दूसरा है शवाधान, शवाधान के साक्ष्य। तीसरा है कब्रिस्तान। R37 व H के साक्ष। चौथा है ताबूत में लाश, ताबूत है एक, ताबूत में लाश मिली, ये साक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष है जो मैं लिखवा रहा हूं। पांचवा साक्ष्य है काश्य का दर्पण, काश्य का दर्पण। छठा है शंख का बैल, शंख का बैल, शंख का बैल। सातवा है चालाक लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी। वह कौवे की कहानी की मोहर, मोहर के साक्ष। दो टीले मिले हैं, दो टीले, जो एक पूरब में है और एक पश्चिम में है। एक पूरब में है, पूरब में, एक पश्चिम में है। पूरब के टीले को कहा गया है नगर टीला। नगर टीला कहा गया है, नगर टीला। जो पश्चिम का टीला है उसको जो है दुर्ग कहा गया है, दुर्ग। एक मिला है मांग में सिंदूर, मांग, मांग में सिंदूर के साक्ष। एक मिला है शंख का बैल, और एक मिला है कांस्य का दर्पण जो मैंने आपको बताया। एक मिला है पीतल का इक्का।
दसवां पॉइंट है पीतल का इक्का, पीतल का इक्का। ग्यारहवा है गधे की हड्डियाँ, गधे की हड्डी भी जो है यहाँ से प्राप्त होती हैं, गधे की हड्डियाँ। और बारहवा देखना है कि हड़प्पा में जो है नर मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं, ये ध्यान रखना है अपने आपको, यानी का पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। पुरुष मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। और मोहनजोदड़ो में जो है, चलो ये मोहनजोदड़ो का जब टॉपिक आएगा मैं उसके बारे में बताऊंगा, बस ये बताना चाहता हूँ कि जो पुरुष मूर्तियाँ हैं वे हड़प्पा में ज़्यादा मिलती हैं, और मोहनजोदड़ो में जो है पुरुषों की जो है मूर्तियाँ जो है वो कम मिलती हैं, नारी की मूर्तियाँ जो है मोहनजोदड़ो में ज़्यादा मिलती हैं, ये आपको जो है ध्यान करना है। और जो है ये मैंने पॉइंट 10-11 पॉइंट आपको लिखवाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है। और एक पॉइंट लास्ट में और मैं बताता हूँ, देखिए जो है 57 सावधान मिले हैं, 57 जो है सावधान मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा से मिलते हैं। और उनमें जो है जहाँ यानी का उनमें क्या मिलता है, कब्रुस्तान RH R37 और एच के जो है हमें वहाँ से जो है साक्ष्य मिलते हैं। तो ये मेरी वीडियो जो थी हड़प्पा स्थल से संबंधित थी, आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।